अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल मोहम्मद वली सरकार और ये है वीडियो प्लस एक्स्ट्रा का 31st एपिसोड। और आज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि खबरें बहुत कमाल होने वाली हैं। असद भाई आपने आवाज निकाली थी, क्या मतलब सलाम करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहने वाला था काफी टाइम बाद आ रही है ना, तो खबरें बहुत अच्छी हैं इसमें। मतलब हम लोग करते ही हैं कि हम लोग अपनी डेट्स मिस कर देते हैं, लेकिन उस चक्कर में फिर खबरें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर से बेहतर होती है, ज्यादा अच्छी वाली। तो आज जो खबरें हमारे पास मौजूद है ना वो ज्यादा भी हैं, और एक एक जो खबर है ना वो आप समझ लें कि भाई क्रेजी होने वाली है। पहली खबर जो आ रही है वो लिनोवो की तरफ से आ रही है, जहां पर लिनोवो लीजन 2 प्रो जो कि उनकी फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है, और अब एक ऐसी चीज बन गई है जो कि मैं कहूंगा कि हर कंपनी कर रही है, उनकी गेमिंग डिवाइस भी होने वाली है। अब यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है वो सामने आ चुकी हैं। 8 अप्रैल को ये ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है, और यहाँ पर आपको 6.92 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि 144 हर्ट्ज के ऊपर काम करेगा। बड़ा क्रेजी किस्म का स्पेक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं ये कहूंगा कि हर कंपनी कोई एक मोबाइल फोन जरूर लॉन्च कर रही है जो कि बाकियों से क्रेजी लगता है। गेमिंग में काफी सीरीज आई है। एग्जैक्टली, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 जो है उसको यूज किया जाएगा, तो हर लिहाज से ये जो फोन है फ्लैगशिप फोन होने वाला है। और क्योंकि ये लिनोवो लीजन सीरीज में आ रहा है, तो इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ गेमिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाले जाएंगे जो कि अभी तक उनने ऑफिशियली हाईलाइट नहीं किए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 16 GB और 12 GB वाले जो वेरिएंट्स हैं वो हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो भी नॉर्मल फोन के निस्बत बेहतर रखा जाएगा। डिस्प्ले भी इस दफा सैमसंग का बनाया हुआ है, डिस्प्ले इस दफा सैमसंग ने बनाया है। जो एमोलेड डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज वाला वो सैमसंग मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आप क्वालिटी भी काफी हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोनी अपने एक्सपीरिया सीरीज को बेहतर बनाने वाली है और बढ़ाने वाली है, और उसके रिलेटेड 14 तारीख को एक इवेंट होने जा रहा है जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोनी 2 नए मोबाइल फोन्स को लॉन्च करेगी। अब क्या मोबाइल फोन आएंगे उनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर सोनी की जो एक्सपीरिया सीरीज है उसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट लेवल पे ले गए हैं। उसको कंज्यूमर्स के लिए बना ही नहीं रहे। एक्सपीरिया सीरीज का जो लेटेस्ट फोन भी आया था वो एक ऐसी डिवाइस थी जो आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रही है। आप अपने एक मोबाइल फोन को एज अ कैमरा स्क्रीन यूज कर सकते हो, तो लेट्स से आपके पास एक DSLR है, सोनी का ही DSLR है, DSLR तो नहीं, मिररलेस कैमरा है, आप अपने मिररलेस कैमरा के ऊपर अपना सोनी का फोन लगाकर उससे लाइव जा सकते हो, तो आपको एक पूरा कंप्यूटर सेटअप कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन को ही कनेक्ट करोगे, वो एज अ डिस्प्ले भी काम करेगा, एज अ टच स्क्रीन भी काम करेगा, और उसके अलावा आप उसको एज अ लाइव सेटअप भी यूज कर सकते हो। और क्योंकि मोबाइल फोन्स के अंदर आपको 5G मिल जाता है, तो वो जो सारी स्पीड के फायदे हैं, वाईफाई के फायदे हैं, वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। प्राइसेस में क्या इनका किस लेवल पे? यार प्राइसेस इनकी हमेशा ही ज्यादा थी, और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और ज्यादा करेंगे, तो फिर वो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है। जो फोन आ रहे हैं ऑब्वियसली वो सस्ते फोन होने वाले हैं इस बार। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपीरिया 1 3 और एक्सपीरिया 10 3 के नाम से 2 डिवाइसेस लॉन्च होंगी। और यहाँ पर ये जो डिवाइसेस हैं, पहली बात तो इनकी नेमिंग स्कीम इतनी खतरनाक है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई इस नाम की, तो भाई मुझे खुद नहीं आई, आपको क्या आनी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इस बार ये जो फोन्स हैं इनमें से एक 600 सीरीज के चिप के साथ आएगा, जो कि मोस्ट प्रॉबली 665 होगी, और एक 400 की सीरीज के अंदर आएगा जो कि 480 होने वाला है। तो मोर और लेस ये लोअर मिड रेंज डिवाइसेज होंगी, लेकिन इनका प्राइस टैग ज्यादा होगा और लोग खरीदेंगे नहीं। तो मुझे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में आएंगे ये ऑफिशियली? यार पाकिस्तान में काफी कंपनीज ने ट्राई की है, काफी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश करते रहे हैं बेचारे लेके आने की, लेकिन बिकता ही नहीं है यहाँ पे, तो वो वाला सिनेरियो है ना। और मुझे पता है काफी लोग पूछते भी हैं कि आप सोनी नहीं करते। सोनी ना करने के पीछे रीजन ये है कि भाई वो इतनी रिडिकुलस प्राइस में आते हैं, तो मुझे पता होता है कि किसी ने खरीदना तो है नहीं, तो वो सेंस नहीं बनती। ओके भाई, एप्पल जो है वो अपनी प्राइवेसी फीचर्स के बारे में अब हो गया है सीरियस। एप्पल ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि यूजर्स से जब भी कोई डेटा कलेक्ट होगा तो उनका कंसेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अभी के लिए आपके एप्पल के फोन्स के ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, कोई सॉफ्टवेयर अगर आपकी लोकेशन ले रही है तो आपसे पूछा जाता है, और 3-4 और चीजों पे भी, कैमरा वगैरह पे पूछते हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में तो भाई बहुत ज्यादा कंसेंट रिक्वायर्ड है, और यहां तक हो गया है अब कि एप्पल अब अपडेट्स रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसने कंसेंट नहीं मांगा और वो डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही है, तो एप्पल अब उसकी अपडेट ही नहीं आने दे रहा। तो एप्पल कह रहा है कि भाई या तो कंसेंट मांगो या अब आपकी जो ऐप है उसकी अपडेट नहीं जाएगी पहुंचने से पहले। हाँ, और इवेंचुअली होगा यही कि वो आपकी ऐप को भी रिमूव कर देंगे, तो बेहतर यह है कि कंसेंट मांग लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला था
वो फेसबुक ने उठाया था कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यूजर से पूछेंगे तो कुछ यूजर मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। और मजेदार बात यह है कि एक सर्वे में ये चीज भी देखी गई थी कि सबसे ज्यादा डेटा फेसबुक ही कलेक्ट करती है, दूसरे पे इंस्टाग्राम थी आई थिंक, इंस्टाग्राम नंबर वन पे थी, फेसबुक थी और आई थिंक व्हाट्सएप भी वहीं पे ही गई था। तो फेसबुक ही आई है सारे टॉप पे थे और सारा डेटा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद जब गूगल ने भी ये कर दिया कि प्राइवेसी में आएंगे वो, तो उसके बाद इन्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बिल्कुल। Huawei P50 के कुछ लीक्स और रेंडर्स जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं। ऑब्वियसली ये डिजिटल रेंडर्स हैं तो ये ऑफिशियल तस्वीरें नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक जो है वो आप कह सकते हो कि रियल डील है। और यहाँ पर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो इस मोबाइल फोन के बैक पर देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुझे मोबाइल फोन कम एक कैमरा ज्यादा लग रहा है, इतने बड़े बड़े कैमरा लगाए गए हैं कि लिटरली लगता है कि भाई कैमरे की बॉडी है। और इस मोबाइल फोन के अंदर इस बार जो फीचर्स एक्सपेक्टेड है उनमें 120 हर्ट्ज का ओलेड डिस्प्ले एक्सपेक्टेड है, केरन 9000 सीरीज का चिप एक्सपेक्टेड है, और सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में लोग एक्साइटेड होंगे वो शायद ये कैमरे भी ना हो, इतने बड़े कैमरे लगाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि ये Huawei की उन पहली डिवाइसेज में से होगा जो कि ऑफिशियली हार्मनी OS के साथ आएगा। तो देखते हैं कि Huawei की डायरेक्शन क्या रहती है। बहुत मुश्किल है कि Huawei स्टे कर जाए, लेकिन अगर कर गई तो भाई चीजें भी कमाल होने वाली हैं, क्योंकि इस बार फिर Huawei अपना प्रोसेसर भी खुद बनाएगी, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाएगी और ओवरऑल जो उनके हाथ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है वो आईफोन के रिलेटेड आ रही है, जहां पर आईफोन SE के बारे में कहा जा रहा है कि आईफोन SE पहली दफा कोई नए डिजाइन के साथ आएगा। मतलब ये है कि इससे पहले iPhone SE जो है वो किसी पुराने फोन की बॉडी के अंदर नए इंटरनल्स होते थे, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि iPhone SE का जो नया वर्जन आएगा उसके अंदर डिजाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर रीहॉल होगा, और वो डिजाइन जो है वो उससे पहले हमने किसी दूसरे iPhone पे नहीं देखा होगा। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सारा कुछ एप्पल इसलिए कर रहा है क्योंकि एप्पल के आईफोन के अंदर जो फ्रंट साइड पर फेस आईडी होती है, एप्पल वो फेस आईडी अब आईफोन SE में नहीं लेकर आना चाहता, उसकी जगह पंच होल कैमरा दिया जा रहा है और आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। जिस तरह हम पहले से, मतलब अगर आप सैमसंग की बात करें, आप एंड्रॉइड में वीवो ओप्पो वगैरह की बात करें, काफी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन एप्पल जब लेकर आएगा तो इसको बहुत बड़ी बात भी बताएगा। और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये फोन 5G सपोर्टेड होगा। तो पहली बार iPhone SE सीरीज जो है वो भी 5G सपोर्टेड हो जाएगी, क्योंकि एप्पल का ऑलरेडी जितना भी लाइनअप है इसके अलावा वो सब 5G है, तो एक नई डिवाइस विदाउट 5G सेंस नहीं बनाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है टेक्नो की तरफ से, जहां पर टेक्नो स्पार्क 7 की कुछ लीक्स और रूमर्स हमारे सामने आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो टेक्नो स्पार्क 7 ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर जो चिपसेट एक्सपेक्टेड है वो मीडियाटेक का हीलियो G70 है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6.8 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है और एक क्वाड कैमरा एक्सपेक्टेड है। ऑल दो अभी तक ये नहीं पता कि बैक पर जो चार कैमरे हैं उनके क्या स्पेक्स होंगे। अब टेक्नो ऑलरेडी ये चीज कर चुका है कि एक अच्छा कैमरा लगाकर बाकी तीन जो है उसे सेंसर लगा दिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इस बार सिचुएशन क्या होती है। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, USB टाइप सी की पोर्ट और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो दी गई हैं। तो देखेंगे कि ये कैसे कंपेयर करेगा जब आप इसको किसी दूसरे फोन के साथ कंपेयर करेंगे उसी प्राइस कैटेगरी में। एक्सपेक्टेड ये है कि ये 20 से 22 की रेंज में कहीं पे आएगा, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में कब आता है और किन स्पेक्स के साथ आता है। नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है भाई वो वीवो की तरफ से आ रही है, जहां पर वीवो ने X60T के नाम से एक नया फोन लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली इनकी आई थी X सीरीज की, बिल्कुल X सीरीज आई थी, हमने वीडियो भी की थी और एक और वीडियो भी पाइपलाइन में प्लान्ड है जहां पर हम उसके फीचर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो भी करेंगे। लेकिन वीवो X60T जो है ये डायमेंसिटी 1100 के चिप के साथ आ रहा है, और ये चीज हम हर ब्रांड की तरफ से आजकल देख रहे हैं कि ब्रांड्स इवन यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि स्नैपड्रैगन के चिप में फ्लैगशिप लॉन्च किया जाए या मीडियाटेक में लॉन्च किया जाए। हमने रियलमी के केस में देखा कि रियलमी GT लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 888 के साथ, उसके बाद उसका GT नियो वर्जन आया जो कि डायमेंसिटी 1200 के साथ आया। और वीवो के केस में तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो X60 है ये चाइना के अंदर एक्सिनोस 1080 के साथ आया है, जो कि सैमसंग ने बनाया। तो सैमसंग भी कूद रही है इस चीज के अंदर कि अब अपना प्रोसेसर बनाकर दूसरी कंपनीज को दिया जाए ताकि वो इसको यूज कर सकें। X60T जो है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और वही सारी चीजें जो कि आप X60 से एक्सपेक्ट कर रहे थे मोर और लेस वही हैं। एक चीज जरूर है कि इसके अंदर जो बैक कैमरा है
वो 48 मेगापिक्सल का है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 13 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा लगाया गया है जो कि पोर्ट्रेट में सपोजिटली जो है वो हेल्प करेगा। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है, जहां पर एक तरफ हमने एप्पल के बारे में बताया अभी कुछ टाइम पहले कि प्राइवेसी का बहुत चल रहा है, अब एंड्रॉइड वालों के लिए भी खुशी है। गूगल वालों ने बेसिकली इस पॉइंट पर जितनी भी एंड्रॉइड एप्स हैं जो कि दूसरी इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट निकालती हैं, मतलब एक ऐप इंस्टॉल हुई हुई है आपके मोबाइल फोन में और वो ये देख रही है कि उसके अलावा क्या क्या इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, तो गूगल कहती है कि भाई तब आप देख सकते हो जब आप या तो एंटीवायरस हो या फिर आप लेट से डिवाइस सर्च कर रहे हो तो आप डिवाइस सर्च की कोई ऐप हो या फाइल मैनेजर हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो उस हिसाब से तो बनते। तो अगर आप सोशल मीडिया हो और आप ये देख रहे हो कि मोबाइल फोन पे क्या एप्स इंस्टॉल्ड हैं तो गूगल आपको नहीं करने देगी, वो कहेगी कि भाई आपका सेंस नहीं बनती ना, अपनी ऐप कि आप सोशल मीडिया होकर ये देख रहे हो कि बंदा कौन सी दूसरी ऐप्स इंस्टॉल करके बैठा हुआ है। प्राइवेसी का भी रिस्क है, सिक्योरिटी फ्लॉ भी है, सेफ्टी पे भी इफेक्ट करता है, सेंस ही नहीं ना बनती कि इनका वो डेटा कलेक्ट करने की। बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है ये बिटकॉइन यूजर्स और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां पर वीजा वो पहली कंपनी बन गई है जो कि ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रही है और ये मेजर कार्ड्स में पहली कंपनी है। हमें मास्टर कार्ड की तरफ से भी खबर आ रही थी कि वो ट्राई कर रहे हैं, हमें वीजा की तरफ से भी खबर आ रही थी, लेकिन वीजा कार्ड जो है, जो वीजा के क्रेडिट कार्ड आते हैं, वो पहली कंपनी बन गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक एंड पे इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए जो नेटवर्क ये खुद यूज कर रहे हैं वो इथेरियम का नेटवर्क है, तो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ये उसको यूज करते हुए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो अपने नेटवर्क पे लेकर आएंगे और उसके थ्रू जो पेमेंट्स हैं वो भी करेंगी। और इस सारे काम को करने के लिए जो crypto.com है उसके साथ वीजा ने सेटलमेंट की है और एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप बात करते हो कार्ड की तो ये वो कंपनीज है जो कि डायरेक्टली नॉर्मल पैसे में लगी हुई है, तो अगर ये क्रिप्टो करेंसी को इतनी वैल्यू कर रही है तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा, लीगल भी हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो शाओमी की तरफ से आ रही है, जहां पर शाओमी इन द लॉन्ग रन $10 बिलियन जो है वो इलेक्ट्रिक कार के अंदर लगाने के लिए बैठी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी इलेक्ट्रिक कार की डिवीजन है वो शाओमी के सीईओ ली जुन खुद जो है वो लीड करेंगे और इनिशियली $1.5 बिलियन जो है वो इस काम में इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब शाओमी या जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो इस पॉइंट पर दो काम कर रही हैं, या तो वो अपनी गाड़ी बना रही हैं जैसे टेस्ला कर रही है, या फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही हैं जिसको किसी और गाड़ी कंपनी को बेचकर पार्ट्स बना के, पार्ट्स से भी ज्यादा बैक एंड जो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर कंपोनेंट है वो बनाकर, ताकि बॉडी वही कंपनीज बनाए जो ऑलरेडी बना रही है लेकिन जो उसका स्मार्ट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यूजर इंटरफेस हो गया। अब ऑब्वियसली एक स्मार्ट कार है तो पूरा उसका क्लाउड नेटवर्क बनेगा, तो वो सारा कुछ जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड आई बिलीव कि शाओमी भी ऐसा ही करेगी। सबसे पहले सुनने में तो एप्पल का आया था लेकिन शाओमी बाद में आई और यार एप्पल की गेम ये है, एप्पल आप यकीन करो एप्पल का सीन ये होता है कि एप्पल जब बना लेगी ना प्रोडक्ट एकदम सामने आएगा एप्पल ने कर दिया। एप्पल हमेशा ही बड़ी जो है ना खामोश रहने वाली कंपनी है, तो उनकी जो खबरें लीक भी हुई थी वो दूसरी कंपनीज के एंड से हुई थी, एप्पल कभी खुद नहीं बताता। यूं कह सकते हैं सिक्योर नेटवर्क है उनका, कह सकते हो वो बड़े मतलब अपने आप को ना अंदर अंदर रखने वाले लोग हैं। ओके भाई, तो हमें खबर आ रही है सीधी स्विट्जरलैंड से, जहां पर बेसिकली एयरप्लेन्स को क्लियर आउट करने के लिए वायरसेस से यूवी लाइट्स का यूज किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इवन अगर आप स्प्रेस की बात करते हो तो स्प्रे हर जगह नहीं जा सकता, और स्प्रे अगर आप किसी चीज पे मारते भी हो तो वो चीज गीली हो जाती है और उसका अजीब सा सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अगर आपने किसी चीज को सैनिटाइज करना है तो उसका एक सबसे एफिशिएंट वे जो है वो बेसिकली यूवी लाइट है, क्योंकि यूवी लाइट जो है पहली चीज तो ये है कि जब आप किसी चीज पे मारते हैं तो वायरसेस को जरूर खत्म कर देती है लेकिन उस चीज की अपनी जो तरीके कार है उसमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और मोर इम्पोर्टेंटली बार बार रिपीट आप कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब आपने अगर एक यूवी लाइट का रोबोट जो है वो ले लिया है तो उसके बाद तो बस उसको यूज करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रिफिल खत्म हो जाएगा या कुछ मसला हो जाएगा उसके साथ। तो यही वजह है कि एयरप्लेन्स के ऊपर भी ये ट्राई किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जितने भी एयरप्लेन्स हों उनको यूवी लाइट के थ्रू जो है वो सैनिटाइज किया जाए, ताकि एक बार जब पैसेंजर्स जाएं तो यूवी लाइट मार दी जाए, जाने से पहले तो केयर करवा लेते हो लेकिन अंदर फिर वो चीजें। एग्जैक्टली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल से इवन वायरस ये जो कोविड आया है
इससे पहले भी ये काम क्यों नहीं होता था, हम इस पे क्यों नहीं ध्यान देते थे, बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है उससे सब बड़ी क्रेजी न्यूज है, और ये न्यूज आ रही है पिक्सल डिवाइसेस के रिलेटेड। तो पता है ना पिक्सल डिवाइसेस गूगल के अपने फोन है जो खुद बनाते हैं, जिनमें हार्डवेयर पे कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर पे बहुत काम होता है, जिनकी हार्डवेयर करती गूगल खुद ही है, लेकिन जो भी करती है बहुत बुरा करती है। लेकिन अब गूगल उस चीज को चेंज करने वाली है। पिक्सल 6 के रिलेटेड कहा यह जा रहा है कि पिक्सल 6 शायद वो पहली डिवाइस हो जिसके अंदर लगा हुआ प्रोसेसर भी गूगल खुद बनाए, और ये प्रोसेसर जो है गूगल सैमसंग के साथ मिलकर बना रही है, और ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। आईफोन की कामयाबी की रीजन ही ये है कि उनका सॉफ्टवेयर और उनका हार्डवेयर सब कुछ वो खुद हैंडल करते हैं। गूगल के केस में गूगल ने कोशिश जरूर की है, लेकिन जब उन्होंने कोशिश किया तो वो जैसी गई है, वो कोई खास नहीं रही। लेकिन अगर ये प्रोसेसर भी खुद बना लेते हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी वो निकाल लेते हैं जो हम एप्पल से एक्सपेक्ट करते हैं, तो एंड्रॉइड की दुनिया में भी एक बड़ा नाम आएगा। कंपनीज काम कर रही हैं, आई थिंक अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक सैमसंग है जो जिनका मतलब ऑलरेडी नाम है, एक्जिनोस के चिप्स वो बनाते हैं, और दूसरा गूगल है जो कि ऑलरेडी काफी बड़े हैं, और गूगल ने इस पॉइंट पर दूसरी कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी तोड़ने स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि वो उनको हायर करें और अपने पास जो आइडियाज हैं, जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं वो लेकर आए। ओके भाई, जो आज की आखिरी और फाइनल न्यूज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है और आ रही है टोयोटा की तरफ से, जहां पर टोयोटा करोला क्रॉस के नाम से जो SUV उनकी कह सकते हो आप, उनकी क्रॉस ओवर भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो कैटेगरी है ना ये बड़ी अजीब सी मॉडल सी कैटेगरी है, लेकिन क्रॉस जो है ना ये काफी हद तक उसी कैटेगरी में आ रही है जहां पर किया स्पोर्टेज, हुंडई टुसॉन और वो गाड़ियां आ रही हैं, या होंडा की तरफ से वेजल आती है, और इसको ऑफिशियली जो है वो अब सामने लेकर आ गए हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर 2020 में आएगी, मुझे याद है मैं भी जब गाड़ी ढूंढ रहा था तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा था कि मैं इसको सोचता हूँ, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये 2020 के दिसंबर में आ जाएगी। ये एक हाइब्रिड गाड़ी है जिसकी वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी ठीक होने वाली है। 3 वेरियंट्स आ रहे हैं, अब एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि इन वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स क्या होंगे, लेकिन एक 7.6 मिलियन का है, एक 8.1 है और एक 8.4 मिलियन का आपको जो वेरिएंट है वो मिल रहा है। और ये तीनों वेरिएंट जो हैं ये प्री बिल्ट वेरिएंट्स आएंगे, CBU यूनिट्स होंगे जो कि बाहर से लेकर आए जाएंगे, अभी के लिए पाकिस्तान में ये असेंबल नहीं हो रहे, तो ये प्री बिल्ट गाड़ियां होंगी जो पाकिस्तान में लेकर आई जाएंगी। ऑब्वियसली अगर चल जाती है तो कोई अपडेट की है इन्होंने यार, काफी अपडेट होगी, लेकिन अगेन बात वही है कि गाड़ियां अभी सामने नहीं आई, सबके स्पेकुलेशन ही है, जो गाड़ियां बाहर लॉन्च हुई हैं उनके हिसाब से ही बता रहे हैं, लेकिन टोयोटा की जो हाइब्रिड कार्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी फीचर्स के साथ आती हैं, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनमें फीचर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आप इनके प्राइस को कंपेयर करते हो तो ये फॉर्चूनर कैटेगरी के साथ कंपेयर हो रहे हैं, जबकि इनका साइज छोटा है, तो ऑब्वियसली फीचर ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।